नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियोज लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस चारपाई में आप देख पा रहे हैं, पार्ट फोर देख पा रहे हैं। इससे पहले ही इस चारपाई में स्टार्टिंग कैसे किया था, वो ताना कैसे ताना था, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। और माई के बारे में तीन चार प्रकार से माई गुथना बताया दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से माई गुथी जाती है, सिंपल भी, सिंगल रस्सी से, डबल रस्सी से, और भी डिजाइन की मैंने बनाई हैं, तो वो सभी हमारे चैनल पर आप थोड़ा विजिट करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधे चारपाई पे कि देखिए किस प्रकार से डिजाइन हमने बनाई है, वो सभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सिक्वेंस है, ये अलग है, अभी इसकी आगे की डिजाइन चेंज हो जाएगा। और इस चारपाई में दोस्तों आप पार्ट फोर देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से दोस्तों तीन दबा कर और ये चार रस्सी उठा ली, फिर इसी प्रकार से तीन दबाइए और ये चार दबा के तीन उठाइए, फिर तीन दबाइए और ये चार रस्सी उठा लीजिए। देखो ये सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो ये चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। पहले क्या था कि इसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री आपने देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सीक्वेंस अलग था दोस्तों, और इसमें सीक्वेंस है वो अलग है, दोनों का सीक्वेंस चेंज है दोस्तों, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। पार्ट वन में थोड़ा अलग सीक्वेंस था, इसमें अलग सीक्वेंस है, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। दो रस्सी दबा कर फिर आप तीन उठाइए, चार दबाइए, चार उठाइए, चार दबानी, सिर्फ सेंटर में ही आपको इंटरफेयर करना है दोस्तों। और ये आप चारपाई देख पा रहे हैं, ये सिर्फ सिंगल घुंडी की है, इससे पहले मैंने डबल घुंडी की अलग से बनाई है, तो वो आप बनाना चाहते हैं तो वो बना लीजिए, क्योंकि जो भी आपको आसान लगे, सिंगल घुंडी की आसान लगती है तो सिंगल की बना लीजिए दोस्तों। यदि डबल की आपको बनाना आता है, समझ में आती है, तो डबल की बना लीजिए, ये सभी आपके ऊपर है कि डबल की है सिंगल की है। मैं बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, अलग अलग डिजाइन की बनाई हैं, तो वो सभी आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, तो ये सभी आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आपको विजिट करना होगा दोस्तों हमारे चैनल पे, तभी आपको हर डिजाइन समझ में आएगा, नहीं तो आपको डिजाइन नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ से फिर से एक दबा कर ये चार रस्सी उठा लेनी है, फिर ये चार दबानी है, चार उठानी है, फिर यहाँ पे दोस्तों ये पांच सात रस्सी दबा देनी और चार दबा कर चार रस्सी उठा लेनी। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये हमारा सिक्वेंस में चल जाएगा और ये घुंडी आप डाल दीजिए। तो ये चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग डिजाइंस में अलग अलग सीक्वेंस होता है। और ये बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं कि ताना में कितनी रस्सी आती हैं, तो जितनी रस्सी ताना में आती हैं दोस्तों वो आप ताना में तान लीजिए अपने में, वो सभी आपके ऊपर। देखो ये अभी लहर है, पहले हमारी अलग लहर है, ये इधर चली जाएंगी लहर, चेंज हो जाएगा, तो वो आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों। और भी यदि आप डिजाइंस डालना चाहते हैं तो डिजाइंस भी आप डाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ से देखिए क्या करें, मैंने तीन रस्सी उठा ली हैं और फिर यहाँ पे चार रस्सी दबाई और चार रस्सी ही उठाई दोस्तों। अब यहाँ पे फिर से तीन रस्सी उठा ली, ये देखिए बीच में ये रस्सी का सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, ये सभी आपके ऊपर है कि रस्सी का सीक्वेंस चेंज करना है या नहीं करना। सेम रस्सी है तो सेम बना सकते हैं, यदि आपके पास अलग से रस्सी हैं तो अलग भी आप डाल सकते हैं, वो डिजाइन के ऊपर है दोस्तों, आप कैसे डिजाइन बनाना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सी अलग डिजाइन हमारी ये बन जाएगी, बीच में फूल है ये हमारा अलग बना है, तो वो आपको पार्ट थ्री में मिल जाएगा, ये पार्ट फोर आप देख पा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे आप। और फिर यहाँ पे रस्सी दो आप उठा लीजिए और फिर तीन चार दबाइए और चार रस्सी उठा लीजिए दोस्तों, और यहाँ ये पांच रस्सी आपको उठानी है, फिर यहाँ से चार दबाइए और चार रस्सी उठा लिए, वो आपको विशेषकर ध्यान में रखेंगे। देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे सिक्वेंस है ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे ये चल जाएगा। और भी यदि आपको डिजाइन देखनी है तो इससे पहले भी मैंने बहुत सी डिजाइन बनाई है, तो वो आप हमारे चैनल पे थोड़ा विजिट करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। सभी प्रकार के डिजाइन है, सिंपल भी है और फूलों की भी है और लहर की भी चारपाई है, क्योंकि ऐसी चारपाई ये घुंडियों का पिलंग बोलते हैं दोस्तों इसको। और इसमें सिंगल घुंडी, डबल घुंडी दो ही प्रकार से बना सकते हैं आप, सिंगल घुंडी से या डबल घुंडी से, वो आप बना सकते हैं अपनी चारपाई में, दिखा सकते हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एक रस्सी उठा लेना है, तो वो कर सकते हैं।
उसके बाद में दोस्तों ये अलग अलग डिजाइंस आप बना सकते हैं। बहुत सी डिजाइंस मैंने बनाई फूलों के बारे में, लहर के बारे में, और सबसे आसान डिजाइन वो लहर की है, तो वो आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी डिजाइंस मैंने बनाई लहर की में, तो वो यदि आपको आसान लग रही है तो वो बना सकते हैं। 3 की लहर, 4 की लहर, 5 की लहर और 6 की 7 तक लहर की बताई दोस्तों मैंने, तो वो आप आसान है लहर की। और ये भी एक लहर अलग है दोस्तों, इसमें सिक्वेंस थोड़ा अलग है, ये भी लहर की हमारी चारपाई, लेकिन इसमें डबल सिक्वेंस है। बीच में देखेंगे तो अलग सीक्वेंस मिलेगा आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 में देखेंगे, और पार्ट इसमें देखेंगे दोस्तों 4 में, तो आपको अलग सीक्वेंस मिलेगा। इस प्रकार से ये थोड़ा डिजाइंस का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो वो सीक्वेंस ये आसान है वैसे, लेकिन डिजाइंस हमारी सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ये लहरों को कैसे मोड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस प्रकार से मोड़ते, पर्टिकुलर्स वीडियो बनाया दोस्तों मैंने, तो वो सभी कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, उन लहरों के अलावा फूलों की देख सकते हैं मैंने, फूल भी कई डिजाइंस के बनाए हैं दोस्तों, पूरी चारपाई में फूल बनाकर बताए हैं, और लहर के साथ साथ भी मैंने फूल बताए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। क्योंकि यदि आपको पूरी चारपाई में फूल देखना है तो पूरी चारपाई में फूल देख लीजिए, यदि आपको लहर के साथ फूल देखना है तो वो भी बना सकते हैं। और लहरों को कैसे मोड़ते हैं वो भी मैंने पर्टिकुलर्स आपको बताया दोस्तों, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर और भी डिजाइन देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने 5 रस्सी का, 7 रस्सी का, 9 रस्सी का, 11 रस्सी का, 13 रस्सी का फूल ही मैंने बनाए हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। या उससे अलावा और भी डिजाइंस हमारे चैनल पे आप थोड़ा सा विजिट करना होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सी डिजाइंस बनाई हैं। या इनकी सभी के अलावा दोस्तों आप नाम देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में मैंने नाम लिखना बताया है, एक नहीं दो दो डिजाइंस ही बताए हैं। दोनों डिजाइंस में दोस्तों जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप नाम लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में, जो भी डिजाइंस आपको पसंद आती है वो डिजाइंस में आप लिख लीजिए दोस्तों, और एक नहीं दो डिजाइंस आप लिख सकते हैं। या फिर इनके अलावा आप दोस्तों मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, तो वो भी मैंने बहुत सी चारपाई में नाम मोबाइल नंबर हिंदी इंग्लिश में लिखकर दिखाया है, तो वो थोड़ा सा विजिट करने पर ही आप समझ पाएंगे और देख पाएंगे दोस्तों। ये सभी आपके ऊपर है, यदि ये सभी आपको बनाने हैं तो थोड़ी सी मेहनत करना होगा तो आप बना सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ऑर्डर देके बनवा सकते हैं, या तो ऑर्डर से बनवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए तो आप खुद भी बना लेंगे दोस्तों। और ऑर्डर के लिए वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो उसमें मेरा हिंदी इंग्लिश में दोनों में एड्रेस लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये ऑर्डर देके बनवा सकते हैं दोस्तों। नाम की बनवाना है या आपको, या डिजाइंस की बनवाना है, या फिर हाथी घोड़ा मोर ऊंट तोता, इन सभी बहुत सी डिजाइंस हैं दोस्तों, बिच्छू, ये कई डिजाइंस हैं दोस्तों, तितली, वहाँ तो ये ऐसी डिजाइंस भी आप बनवा सकते हैं दोस्तों। कुछ डिजाइंस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या कोई नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं दोस्तों। ये सभी मैं ऑर्डर पर बनाता हूँ, बगैर ऑर्डर नहीं बनाता हूँ दोस्तों, ये मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादातर मैं ऑर्डर पे ही काम करता हूँ दोस्तों। तो वो सभी आप, या थोड़ी सी मेहनत कीजिए आप, तो आप खुद ही बनाना सीख जाएंगे दोस्तों, किस प्रकार से आप बनाना चाहते हैं। तो उसमें मैंने पर्टिकुलर्स बताया है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इस रस्सियों को थोड़ा थोड़ा इधर सरकाते रहिए ताकि रस्सी हमारे अंदर न जाए दोस्तों, बीच बीच में, और इनको सीधा भी कर दीजिए, और क्या हर 5-10 रस्सी बाद में इसको स्क्रोल करते रहिए दोस्तों, इस प्रकार से सभी रस्सी हमारी बराबर हो जाएंगी। ये आपको हर 5-10 रस्सी बाद में करते रहना पड़ेगा, तो ये विशेषकर आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से दोस्तों देखो रस्सी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो आप भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास है तो, नहीं तो आप सेम डाल सकते हैं। या और भी आपको बता देता हूं दोस्तों, डिजाइन्स के अलावा आप हमारे चैनल पे जाएंगे, थोड़ा सा आपको हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे हमारे चैनल को। उसमें जब भी आप वीडियो देखेंगे अंत तक देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चारपाई हो उसमें सभी पार्ट ही बनाता हूँ मैं, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6 बताता हूँ दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि सभी पार्ट आप नहीं देखेंगे तो आपको चारपाई नहीं समझ में आएगी दोस्तों। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी पार्ट देखें और अंत तक देखें, तब पूरी डिजाइन आपको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मुड्डा कैसे बनाया जाता है, डोके होते हैं उनसे, कहीं गाँव में कुच्चा बोलते हैं, कहीं पोड़ा बोल देते हैं, उनसे छोटी बड़ी मुड्डियाँ सभी प्रकार की मैंने बनाकर आपको बताई हैं, छोटी बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, जो खुशी टाइप में मुड्डा होता है वो बना सकते हैं, तो उनके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। उसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है, उसे मोड़ी कैसे बांधते हैं, किस प्रकार से उसमें बनाई करते हैं, तो वो सभी मैंने दिखाया दोस्तों। लेकिन उसमें भी हो सकता है आपको Part 1, Part 2, Part 3 मिले दोस्तों, तो ये विशेषकर ध्यान रखना। बड़ा मुड्डा के बारे में बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं, और एक चारपाई में कितने किलो रस्सी लगती है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो मैं डालता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं 5, 6, 7 किलो तक डालता हूँ दोस्तों, किसी में 6, किसी में 7, तो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं, 8 किलो तक रस्सी डल जाती है दोस्तों मेरे पास। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप कितनी किलो रस्सी डालना है।
और जितनी ताना में आप रस्सी आती है उतनी ताना में तान दीजिए, किसी में मेरी में 90 आती है, किसी में 100, किसी में 110, किसी में 80, इस प्रकार से मोटी पतली रस्सी का फर्क होता है दोस्तों, किसी में 120 आती हैं, तो वो सभी रस्सियाँ आती हैं दोस्तों ताना में। उस प्रकार से आपको पर्टिकुलर जितनी आपकी रस्सी आती हैं वो आप तान लीजिए। और उसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखना है, जब भी ये डिजाइंस का ऐसी बनाए, गुंडियों का पलंग बनाए, उसमें जोड़ा से रस्सी आपको लेना है, सिंगल रस्सी का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। तो ये चीज़ विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर आप और देखना चाहते हैं दोस्तों मुड्डों के अलावा, क्योंकि छोटी बड़ी मुड्डियों के अलावा भी आपको हमारे चैनल पे बोतल में चारपाई कैसे डालते हैं उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स बनाया है वीडियो, वो एक कला है और कला हमेशा दोस्तों दिखाई जाती है, ये भी एक कला है। तो जब बना रहे हैं ये डिजाइंस बना रहे हैं, ये भी एक कला है दोस्तों, और कला हमेशा दिखाई जाती है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बनाइए तो अब बन जाएगी दोस्तों, लेकिन हालांकि आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अब एक बात का विशेष कर ध्यान रखना है दोस्तों, देखो दोनों तरफ आप हमारे ये बराबर होने चाहिए। अब आप देखेंगे किस तरफ कम रस्सी इस तरफ ज़्यादा, तो आप आटा लगा दीजिए। आटा कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार लिया और एक बार और लेना, आपको दो बार ये लेना है, ये खास कर आपको ध्यान रखना है। और ये बीच बीच में आप चेक करते रहना कि दोनों बराबर हम चल रहे हैं नहीं चल रहे दोस्तों, तो वो चीज़ आपको ये चेक करते रहेंगे हम, तब ये समझ पाएंगे आप, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। बीच बीच में आप चेक करते रहिए, अगर बराबर आपको लग रहा नहीं चल रहे हैं तो जिधर आपकी रस्सी कम है उधर आप आटा लगा दीजिए। तो यहाँ से वापस से तीन दबाइए, तीन दो उठाने, फिर चार दबानी, चार उठानी, फिर यहाँ पे पांच रस्सी दबा देनी है। तो ये पांच रस्सी दबा कर फिर आपको चार रस्सी दबाई, चार रस्सी उठा दी दोस्तों, और फिर ये घुंडी हम डाल देंगे। ये आप सभी बना सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको हालांकि मेहनत ज़रूर करनी है तभी आप सीख पाएंगे, नहीं फिर आप ऑर्डर से बनवा सकते हैं दोस्तों। नाम की बनवाना है, हाथी घोड़ा मोर ऊँट की बनवाना है, डिजाइंस की बनवाना है, या सिंपल पाइप में बनवानी है, लकड़ी में बनवाना है, वो सभी के अलग अलग रेट होता है दोस्तों। लकड़ी का अलग होता है, पाइप में अलग होते हैं, सिंपल में, डिजाइंस में, वो सभी अलग अलग मैं बनाता हूँ दोस्तों। ये सभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा तभी आप डिजाइंस को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। या फिर भैंस की मोरी कैसे बनाई जाती है वो भी मैंने बताया दोस्तों, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। उसमें मैंने दो तीन डिजाइंस की बताया है, ऊँट का मोरा होता है वो कैसे बनाया जाता है, छिक्की होती है जो बहुत ही उपयोगी होती है हमारे पशुओं के लिए वो भी बताया है, तो ये सभी मैंने बताया दोस्तों। और एक गोपिया होता है वो भी बहुत ही उपयोगी होता है, हमारे खेतों में काम लिया जाता है, तो उसको भी मैंने बना कर बताया है आपको, वो भी दो डिजाइन से बताया है, दोनों डिजाइन में आपको अच्छा लगेगा तो वो बना सकते हैं। एक मछली भी बनाकर बताया है दोस्तों, तो ये सभी मैंने कई डिजाइन से बताई चीज़, ये हिंडी होती हैं, गलीचा होते हैं जो पायदान बोलते हैं वो भी मैंने बताए हैं, बहुत सी डिजाइंस के मैंने दिखाए हैं, तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जगह है हमारी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा जगह बचती है तो आपको इस प्रकार से कर दीजिए। और ये लास्ट में रस्सी कैसे मैच करती है वो मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको चैन दिख रही है, इस चैन से यहाँ से ये रस्सी हमारे डाल देनी है, ये रस्सी का आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर ये नीचे ले जाके हम इसको बांध देंगे यहाँ पे। अब ये देखिए इस तरफ भी आप देखेंगे, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये इस घुंडी में डाल दीजिए आप, पहले हमें इस घुंडी में डाल देते हैं, ये डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद में क्या है कि इसमें डालना है, ये हमारे निकल गई किल्ली, इसमें डालना है। और इसमें डाल के बाद में आपको क्या करना है, यदि यहाँ टाव की जगह बचती है तो लगा दीजिए, नहीं तो फिर नीचे इसको बांध दीजिए दोस्तों। ये नीचे माई पे है वो बांध सकते हैं आप, इस प्रकार से पूरी डिजाइंस बन सकती है, थोड़ी जगह बचती है इस प्रकार से आपको स्क्रॉल कर दीजिए, वो पूरी आपकी डिजाइंस बन जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।